अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के वीलॉग के साथ मोहम्मद बिलाल आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज मैं दरिया सिंध से आया हुआ हूँ, जो कि डिस्ट्रिक्ट बक्सर में, डिस्ट्रिक्ट बक्सर की साइड में है, मतलब ये किनारा है। तो मैं अब यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। ये बड़ी थी, मैंने पहन ली है। तो अब जहाँ पे जो मलाह है इसको चलाने वाले, वो अभी मौके पे मौजूद नहीं है। तो देखते हैं, मैं अब कश्ती के ऊपर वैसे बैठ के मज़ा लेता हूँ, फिर आपको बाद में कुछ भाई यहाँ पे जो हैं तैराकी कर रहे हैं वो भी दिखाएंगे। यहाँ पे डेरा बना हुआ है, तो ये देखें हैं साथ चार पहिया लेके आ रहे हैं। तो ये साथ जानवर भी रखे हुए हैं। चले आपको सारा ये जो है माहौल ये आपको दिखाते हैं। ये देखे मामू हबीबुल्ला जो हैं, ये भी इधर मौजूद हैं, वैसे चक्कर लगाने के लिए, यहाँ पे मज़े लेने के लिए आए हुए हैं, ठंडी हवा लेने के लिए। ये चाचा आज़म त्रेली, ये भी इधर मज़े लेने के लिए आए हुए हैं, टूटी हुई चारपाई पे बैठे हैं। ये देखे सूरज गरूब हो रहा है, माशाल्लाह बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे। तो चले मैं अब कश्ती पर बैठने लगा हूँ, आपको दिखाते हैं। ये अंकल जवार अब पहुँच चुके हैं, जो कि डेरे के मालिक हैं। तो ये देखें, इन्होंने सारा ये कुछ यहाँ पे सारा सिस्टम, कश्ती भी इन्होंने रखी हुई है और जानवर भी। ये देखें बिल्कुल दरिया के किनारे पे हैं ये। तो अब यहाँ पे काफ़ी आवाम होती है, सेकंड टाइम बड़ा मज़ा होता है यहाँ पे। ये इसको चलाने वाला मलाह जो है वो अभी नहीं है मौके पर। ये देखें ये बैलेंस खराबा करने के लिए ये एक साइड पे पत्थर रखा हुआ है इन्होंने, एक साइड पे फीटर लगाया हुआ है, क्योंकि उस साइड पे फीटर है, इधर पत्थर रखना इनकी मजबूरी है, क्योंकि कश्ती का बैलेंस फिर बराबर नहीं हो सकता, इसलिए इन्होंने यहाँ पे पत्थर लगा दिया है। चले आगे देखते हैं। यहाँ पे जो है ये मलाह, ये हैंडल लगा हुआ है इसी के साथ। ये देखें ये इधर करूँगा उधर जाएगी, उधर करूँगा उधर जाएगी, माशाल्लाह। ये देखें ये हैंडल है, इसके साथ फीटर को स्टार्ट करके इसके साथ चक्कू लगा हुआ है। तो पहले ज़माने में जो कश्ती होती थी वो उसको ना डंडे के साथ चलाते थे, हाथ मतलब हाथ के साथ एक चक्कू बना होता था, उसके साथ घुमा फिरा के इसको ले जाते थे। अब ये स्पीड के साथ चलती है, ये डीजल का डब्बा लगा हुआ है। तो क्या इसने अभी मलाह नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ पर सवारी करता। मैं कश्ती के बॉक्स भी बनाए हुए हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये बॉक्स है यहाँ पे, ये देखें फट्टे वगैरह इन्होंने रखे हुए हैं। ये देखें कश्ती में नीचे थोड़ा थोड़ा पानी भी सेम जो है ऊपर आई हुई है, ये वैसे हर कश्ती में होती है, ठीक है। ये देखें, और ये दूसरी साइड पे इन्होंने ना पर्सनल चीज़ों के लिए एक बॉक्स बनाया हुआ है, जिसको ये देखें लॉक लगा हुआ है। तो इसमें इन्होंने अपने पर्सनल आइटम जो होते हैं वो रखे होते हैं। वो बिल्कुल दूसरा जो बॉक्स ओपन था, उसमें हर आम खास के लिए जो चीज़ें ऊपर, इसके ऊपर जो सवारी करते हैं वो रख देते हैं, और यहाँ पे ये मलाह की पर्सनल चीज़ होती है सारी इस। चलें आगे चलते हैं, मैं आपको भैंसें और जानवर दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह भैंसों का ये झुरमट जो है, ये एक जगह पर इकट्ठी बैठी हैं, बड़ी मज़े ले रही हैं दरिया में, बड़ा ठंडा पानी है इसका, बड़ा ही क्या सीन है यार, क्या मज़ा आ रहा है। ये देखें या तो ये शायद डरी हुई है या मुझे मारने लगी है। ओए होए होए, मेरे ख्याल से डर गई है वो तेरी। ये देखें बिल्कुल सिंपल सा डेरा है यहाँ पे, ये जानवर रखे हुए हैं काफ़ी सारे इन्होंने, ये भैंसें जो थी वो पानी में तैराकी कर रही हैं, मज़े ले रही हैं, और ये जो गाय हैं सारी तो ये इधर हैं जी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरा आज का वीलॉग आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।